हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए क्विज क्लास फोर हमारा फोर लेके आया हूँ, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस है। तो यहाँ पार्ट फोर का मतलब है 31 to 40, मतलब 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से आगे वन बाय वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। इसके बाद हम जून 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बनी रहिए और देखते रहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस को। तो चलिए 10 एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला ऑप्शन है एन एडवांटेज ओवर कंपटीटर, देन सेकंड है इंक्रीज्ड कस्टमर एंगेजमेंट, देन थर्ड है इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन, देन फोर्थ है इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है फोर। ठीक है, 1, 2, 3, 4। क्योंकि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक कोई एक कंपनी होती है या कोई एक फर्म है, उसको उसका कंपटीटर उसका, ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है कि कस्टमर एंगेजमेंट होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यह कंपनी हमारे समाज के लिए कुछ कर रही है, तो यह कंपनी सच में बहुत अच्छी है। देन थर्ड, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस होता ही होता है, और साथ साथ में इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज आपकी बन जाती है एक लोगों के बीच में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि टाटा है, तो जो टाटा की कंपनी है, तो लोगों के बीच में टाटा की एक अलग इमेज बनी हुई है कि नहीं, यह जो कंपनी है, ठीक है, भले लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ना, लेकिन लोगों के अंदर इमेज बनी है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यह जो हमारे टाटा है, ठीक है, टाटा कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, रतन टाटा, तो हमेशा कुछ ना कुछ योगदान देते रहते हैं, तो लोगों के बीच इमेज ही बनती है। ठीक है, एग्जांपल के तरफ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आया था? तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा 2014 में आया हुआ था, जो कि क्या कहता है कि कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, समाज के लिए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा कि जो भी कंपनी का टर्नओवर है ना, तो उसका 3%, ठीक है, जो उसका 3% आपको या 2% आपको, ठीक है, नेट प्रॉफिट का इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, एक सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए। ठीक है, तो 2019 में हमारी जो फिनांस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या कहा कि अब इसमें दो प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। उसमें से क्या कहा था उन्होंने, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा कि जो कॉरपोरेट हमारे सेक्टर है इस पर भी पैसा लगाएं, बस ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट पे पैसा लगा दिए या फिर कोई दूसरे अन्य, ठीक है, सामाजिक दायित्व पे आपने पैसा लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात अभी करंट अफेयर की न्यूज़ है। ठीक है, तो बात आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है रेवेन्यू कलेक्शन, देन सेकंड है एनहांसिंग एफिशिएंसी, देन थर्ड है डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, फोर्थ है कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव। तो आंसर देखते हैं। आंसर है कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव का मीन्स क्या होता है, इसमें उन्होंने उद्देश्य इसका इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाता है ना, तो इसलिए यह नहीं होगा। देन थर्ड क्वेश्चन तो मूव करते हैं, ये मैच है। ठीक है, ये हमारा SDGs क्वेश्चन आया हुआ, मैच द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद देयर एक्सप्लेनेशन। तो SDG 7 है, SDG 8 है, SDG 9, SDG 10, तो आपको इसे मिल करना। तो पहला ऑप्शन है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देन सेकंड है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, देन थर्ड है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन फोर्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कोड है 1423, 1432, 2341, 3412, 4123। तो वन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1432। ठीक है, तो 1432, तो SDG 7 जो हमारा कहता है, ठीक है, हमारे क्लीन एनर्जी की बात करता है। ठीक है, और जो SDG 8 है डिसेंट वर्क की बात करता है। ठीक है, SDG 9 जो हमारा है, ठीक है, वो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। ठीक है, और SDG जो हमारा 10 है, ठीक है, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट साइंस बिगेंस विद ऑब्जर्वेशन और एंड मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स फाइनल वैलिडेशन। ठीक है,
तो हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन, नील्स एंडरसन, विलियम जे गुड एंड पोले के हार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हैं ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, डी एंड ए। तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है 3। ठीक है, सी एंड डी। ठीक है, तो आप सबने, ठीक है, कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड शीट हमारे 10th यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ था, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एक एजुकेटेड गेस के तरह के तौर पे आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे, क्योंकि अगर आपने नाम सुना होगा तो मर्टन और गुडे का नाम तो आपने एक साथ कभी नहीं सुना। जब आपने रिसर्च पढ़ते हैं तो मर्टन गुडे का नाम कभी नहीं जल्दी नहीं सुनते ना, एंडरसन गुडे का नाम भी नहीं सुनते, एंडरसन हार्ट का नाम भी नहीं सुनते। ज़्यादातर नाम देखा जा गया है तो गुड एंड हार्ट का नाम उसमें आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक आइडिया के थ्रू भी आप आंसर सही कर सकते हैं। देन 5th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, देन सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ होम, देन थर्ड है नीति आयोग, देन फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, तो हमारा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन है, ठीक है, विभाग जो है ये हमारा पीएमओ के अंतर्गत काम करता है। 6th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस टू ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। अब डिजिटल डिवाइड इन इंडिया में इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सेकेंड है लिटरेसी एंड स्किल्स, देन थर्ड है इकोनॉमिक कंडीशन, देन फोर्थ लैंग्वेज। आंसर देखते हैं, आंसर है ए बी सी डी, क्योंकि डिजिटल डिवाइड को कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए ही चाहिए, देन सेकंड में आपको लिटरेसी एंड स्किल्स भी होने चाहिए कि आपको लैपटॉप तो मिल गया चलाने के लिए, लेकिन आपको लैपटॉप ओपन ही नहीं करना आ रहा ना, तो इसी तरीके से लिटरेसी स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। देन साथ साथ में इकोनॉमिक कंडीशन आपके होनी चाहिए कि सभी लोगों के पास लैपटॉप की सुविधा नहीं होगी, या सभी लोगों के पास, ठीक है, कि डिजिटल डिवाइड को चलाने की सुविधा सभी के पास नहीं होती है। ठीक है, कि कई लोगों के पास नहीं होती, तो इस तरह इकोनॉमिक कंडीशन भी आपकी थोड़ी सही होनी चाहिए। देन फोर्थ है लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स कि आपको, ठीक है, कि भाषा इसको आनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज बहुत कुछ मैटर करता है, तो इस तरीके से ए बी एंड सी डी हो जाएगा। देन सेवन्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट रैंक इन द फ्रेंच मिनिस्ट्रियल हायरार्की। तो फ्रेंच मिनिस्टर हायरार्की में लोवेस्ट रैंक कौन सा है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, देन सेकंड है मिनिस्टर, देन सेकंड थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देन फोर्थ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंच हमारे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, लोकल गवर्नमेंट्स भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें मिनिस्ट्रियल हायरार्की से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो चार सिस्टम हमारे सिलेबस में दिया गया है। पहले हमारे अमेरिका, देन ब्रिटेन, फ्रांस, देन जापान। ठीक है, आपको इसको भी ढंग से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार राइज होते हैं। आंसर हमारा 3 है, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट। 9th क्वेश्चन तक मूव करते हैं, 8th क्वेश्चन तक मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा है हु डिफाइंड अथॉरिटी एज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जेक्ट ओबीडियंस। पहला ऑप्शन मैक्स वेबर, देन सेकेंड है हेनरी फ्यूल, थर्ड है चेस्टर बर्नार्ड, देन फोर्थ है मून एंड रेले। तो हमारा आंसर सेकेंड है हेनरी फ्यूल। तो यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज हो गए मैक्स वेबर और हेनरी फ्यूल में, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ के जाना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेक्ड फॉर अंडरटेकिंग केयरफुल स्क्रूटनी एंड एडिटिंग ऑफ इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑप्शन है कम्प्रेहेंसिबिलिटी, देन सेकेंड है लेजिबिलिटी, देन कॉन्फिडेंशियलिटी, देन फोर्थ है इनकन्सिस्टेंसीज। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर हमारा 3 कॉन्फिडेंशियल, गोपनीयता आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि आप किसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, क्या, या आप उसको स्क्रूटनी नहीं कर, सावधानीपूर्ण आप जाँच कैसे कर सकते हो ना, तो इसमें यही हमारा आंसर गोपनीयता होगा। देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज फॉलोज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन वेदर सेंट्रल और लोकल। ठीक है, ऑप्शन है एम ई डी मॉक, देन सेकेंड है एच वॉकर, देन थर्ड है पी एम सी क्वीन, देन फोर्थ है जे एम फिफना।
ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना। इसका आंसर हमारा है 3, जो पर्सी मैकक्विन। तो ये डेफिनेशन, यहाँ पे दो डेफिनेशन पूछी गई थी, ठीक है, इससे पहले हेनरी फुल की डेफिनेशन पूछी गई थी, इसके पर्सी मैकक्विन की डेफिनेशन पूछी गई। तो इसी तरीके से आपको डेफिनेशन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि एनटीए डेफिनेशन पे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देते ही देता है, ठीक है। तो इसको आप ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं, कीवर्ड से याद कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर और स्टेट, सेंटर और लोकल की बात किसने कही थी, तो पर्सी मैकक्विन ने की थी। सेंट्रल, स्टेट और लोकल की बात किसने कही थी, तो हर्बर्ट साइमन ने कहा था, ठीक है। तो इधर ध्यान में रखना आपको, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो क्वीन है वो सेंट्रल, सेंट्रल और लोकल दोनों में जाती हैं, ठीक है। तो आज का हमारा, आज के हमारे क्विज समाप्त करते हैं। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, ठीक है। चैनल के साथ बने रहिए, और कुछ भी डाउट होता है आप कॉमेंट करिए, ठीक है, आपको बताया जाएगा, ठीक है।